एप्पल मिस्ट्री बॉक्स। ओ भाई ये तो चीटिंग है यार एप्पल की जगह पे एंकर। नहीं दोस्तों इसमें एप्पल ही है, इसको करते हैं अनबॉक्स, इसके अंदर में निकलेगा ना। ओ भाई ये क्या है? ओ दोस्तों ये तो फोन है। और देखते हैं क्या क्या माल मसाला मिलता है दोस्तों। और ये रहा बड़ा सा भाई पन्नी लग रहा है, इतना बड़ा कुछ तगड़ा माल होगा यार इसमें। फाड़ो ओहो पुस्तक। ये रहा भाई सब एप्पल प्रोडक्ट, इतना छोटा सा यार। आ आ ओ भाई और ये लग रहा है छोटा सा पैकेज है यार। हो भाई ये तो लाइटनिंग टू 3.5 mm का कनेक्टर है। तो ये कनेक्टर मैंने खुद से मंगाया और इसकी प्राइस लगभग मुझे 900 रुपए पर ही है। और ये है दुनिया का सबसे सस्ता एप्पल प्रोडक्ट, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है एप्पल के पास भाई साहब। लेकिन दोस्तों मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि एप्पल बोलता है काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के एनवायरमेंट। तो यहाँ पे देख लो भाई साहब एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ रही है। ये देखो इतना सा पिन के लिए, ये देखो ये तो इतना बड़ा था, इसको बबल रैप बोलते हैं ठीक है, इसमें ये डाला हुआ था। ऊपर से इतनी बड़ी पन्नी भाई साहब, इतने में तो भाई साहब कपड़े बपड़े अच्छे से आ जाते हैं ठीक है, इतनी बड़ी पन्नी है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब तूने फ्लिपकार्ट या अमेज़न से मंगाया होगा तो उन्होंने किया होगा, तो नहीं मैंने apple.in से मंगाया ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये एप्पल वाले ने पैकेजिंग करके भेजी है भाई। तो आप लोग ही बताओ यार इतनी छोटी सी पिद्दी सी चीज के लिए इतनी बड़ी पैकेजिंग भाई साहब, मुझे देख कर तो भाई दिमाग खराब हो गया। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को त्रुट बताना चाहिए, त्रुट सच्चाई आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूं भाई साहब। एनवायरमेंट की इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, यहाँ पे सारे सारे हमें चूतिया बनाने पे लगे हुए हैं पैसा के कारण, क्योंकि आईफोन की सेल तो भाई साहब बढ़ नहीं रही, तब इसकी प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है? ये सारे एक्सेसरीज बेच के ना, सबसे पहले बॉक्स में से ईयरफोन हटा है, उसके बाद 3.5 mm के गड्ढा गायब कर दी, और एनवायरमेंट के नाम पर भाई साहब अभी चार्जर इन्होंने गायब कर दिया, ताकि ये लोग अलग से बेच के भाई साहब अलग से पैसे बना सके। चार्जर से याद आया ये वाली वीडियो देखो आप लोग। You decide to buy a new charger for it. Then straight away, we have already used more packaging than the entire box of the last generation. Now, you might be looking at me thinking, well, don't be silly, this is tiny. But first of all, I have specifically picked this charger because it was the most compact packaging I could find. But secondly, if you open it up, you realize that to send something like a charger on its own, you need a lot of padding. So there's not just the cardboard outside, but a cardboard tray, a second layer of cardboard on the inside, not to mention a plastic anti-static bag. But most significantly, this, wireless charging in general, flows in the opposite direction to eco-friendliness. Because not only do you have to buy MagSafe as a separate item with its own box, but even that doesn't come with the charger that you would need to get the right speeds from it. That's sold as an extra to the extra. I don't understand if you guys are studying the environment, then you should not be so big and not so big for this time. And if you are so big, then you should leave lightning and type-C to switch so that the user can use the charger here. But no, they need to make money, we need our charger. All of them are making a fool. What happened?